भोजपुर में दारोगा की पिटाई। पटना में शराब की छापेमारी में गई टीम पर हमला। जगह बदल जाती है, लेकिन बिहार में पुलिस की पिटाई आम बात हो गई है। राजधानी पटना से लेकर राज्य के 38 जिलों में कहीं भी पुलिस अपनी साख नहीं बचा पाई है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में रोजाना औसतन 8 जगह पुलिस पिट रही है। जनवरी से लेकर मई तक 151 दिन में बिहार पुलिस पर 1297 बार हमले हुए हैं। बिहार पुलिस की पिटाई की जब वजह जानने के लिए पड़ताल की गई तो चौंकाने वाला सच सामने आया। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप इस पोल में शामिल होकर अपनी राय दे सकते हैं। बिहार पुलिस जनवरी में खूब पिटी है। बिहार पुलिस के आंकड़ों की बात करें तो 2022 के जनवरी माह में बिहार पुलिस पर अलग अलग जिलों में 374 बार हमला हुआ है। पुलिस के लिए नए साल का जनवरी सबसे ज्यादा पिटने वाला महीना रहा। फरवरी में भी पुलिस 211 बार पिटी, जबकि मार्च में लोगों ने उस पर 227 बार हमला किया। वहीं अप्रैल में 190 और मई में 295 बार आम लोगों ने पुलिस पर हमला किया है। बिहार पुलिस के लिए खतरे के संकेत एक साथ दर्जनों पर फर से बिगड़ती है बात। पुलिस पर हमला होने के बाद एक सिरे से कई लोगों पर फर की जाती है। इस कार्रवाई में भी पुलिस का आक्रोश दिखाई देता है और पुलिस ऐसे लोगों का नाम भी रिकॉर्ड में लाती है जो घटना में शामिल ही नहीं होते हैं। ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस अगर निष्पक्ष होकर काम करे और कार्रवाई से पहले घटना की जड़ तक पहुंच जाए तो काफी हद तक हालात सुधर सकते हैं।